उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर सरकार ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। चौरा शताब्दी महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल रूप से जुड़ी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। वहीं पीएम मोदी ने चौरी चौरा पर एक डाक टिकट भी जारी किया, साथ ही देश की आजादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वालों को नमन किया। इस मौके पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी अवलोकन मुख्यमंत्री योगी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले बलिदानियों को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में गुरु गोरखनाथ को शिव अवतारी, वहीं दूसरी तरफ बाबा राघवदास को कलयुग का पवित्र देवता बताया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए किसान और जवानों को एक साथ जोड़ने की बात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने भी अपने संबोधन में शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश को स्वतंत्र कराने में जिनका अहम योगदान रहा है वो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने दिव्यांग जनों को मोटर चलित ट्राई साइकिल वितरित की। पीएम मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, इसके लिए जो कोशिश हो रही है वो तारीफ के काबिल है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को बधाई दी। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह, पंजाब केसरी टीवी।